हेलो एवरीवन, वेलकम टू अलका हॉबी जंक्शन। दोस्तों, आज मैं आपके साथ बेसन की बर्फ़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं बेसन की बर्फ़ी। ये बर्फ़ी बहुत ही कम समय में तैयार हो जाती है। तो सबसे पहले बेसन की बर्फ़ी बनाने के लिए मैंने एक पैन लिया है। पैन में डालेंगे हम 1 कप घी और 2 कप बेसन डालेंगे। जितना हमने घी लिया है उसका जस्ट डबल हमें बेसन लेना है और इनको हमें बिल्कुल स्लो आंच में भूनना है। इसे हम बीच बीच में चलाते रहेंगे। और दूसरी तरफ एक पैन में हमने 1 कप चीनी लिया है और 1 कप पानी लिया है। इसका हम शुगर सिरप बना रहे हैं। और दूसरी तरफ बेसन भी हमारा भून रहा है। यहाँ पे हमें जो सीरा है उसको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है। और जब हमारा बेसन भून जाएगा तो इसमें हमें 1 कप मिल्क पाउडर ऐड कर देना है। मिल्क पाउडर डालने के बाद हमें बेसन को बहुत ज़्यादा देर नहीं भूनना है, लगभग 30 सेकेंड से 1 मिनट तक हम भूनेंगे। और एक बात मैं आपको और बताऊंगी, आंच बिल्कुल आप स्लो रखें। एक्चुअली मेरी गैस थोड़ी तेज़ जलती है तो इसलिए मेरा बेसन थोड़ा सा ज़्यादा भून गया, लेकिन आपको बेसन को थोड़ा लाइट ही भूनना है। और इधर मैंने सीरा में 4 से 5 कुटी हुई इलायची डाल दी है। तो लगभग हमारी चाशनी भी बनकर तैयार हो गई है बेसन की बर्फ़ी के लिए। और इधर बेसन भी हमारा भून चुका है तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे चाशनी जो हमने अभी बनाई है और इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हमें गैस को कर देनी है बंद। दोस्तों, इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है। इसकी कंसिस्टेंसी बस जैसे मैंने रखी है वैसे ही आप रखें। तो चलिए अब इसको हम एक मोल्ड में ट्रांसफ़र कर देते हैं। मोल्ड को हमने घी से ग्रीस कर लिया है। आप चाहे तो बटर पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो बर्फ़ी की थिकनेस है आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, आपको जितनी थिकनेस रखनी है उसकी। तो चलिए इसको रूम टेम्परेचर में हम रखेंगे और जब ये ठंडी हो जाएगी तो इसको हम फ्रिज में रख देंगे 1 से 2 घंटे के लिए। और इसमें डाल दिया है मैंने थोड़े से कटे हुए बादाम। तो लगभग 2 घंटे हो चुके हैं, बेसन की बर्फ़ी हमारी जम गई है। इसमें मैंने सिल्वर वर्क डाला है डेकोरेशन के लिए, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। दोस्तों, फेस्टिव सीजन आ रहा है, आप चाहे तो इस बर्फ़ी को दिवाली में भी बना सकते हैं। बहुत ही अच्छी बनती है और बहुत ही कम समय में बन जाती है। तो देख सकते हैं हमारी बर्फ़ी तैयार हो चुकी है। अब हम इसको कट कर लेंगे। चलिए मैं इसको निकाल कर आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा बना है। तो आई होप दोस्तों मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में कमेंट भी करें कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।